महेंद्रगढ़ के खेल स्टेडियम में ओलंपिक दिवस पर पौधारोपण और बॉक्सिंग मैच का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महेंद्रगढ़ के SDM दिनेश कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर खिलाड़ियों को बधाई दी। इस मौके पर खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु बॉक्सिंग का मैच भी करवाया गया। महेंद्रगढ़ के SDM दिनेश कुमार ने कहा कि भारत के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा के दम पर देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित किया है। विशेषकर हरियाणा के महिलाएं और पुरुष खिलाड़ियों ने ओलंपिक सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन किया है। ओलंपिक दिवस पर महेंद्रगढ़ के खेल स्टेडियम में पौधारोपण भी किया गया। जैसा कि हमें पता है कि आज वर्ल्ड ओलंपिक डे है और इस अवसर पर सब जितने भी खिलाड़ी हैं उनको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि जो भी हमारा ओलंपिक का दल गया है टोक्यो ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत के हमारे देश का नाम रोशन करें। हरियाणा कला परिषद के पूर्व निर्देशक और हरियाणा राज्य युवा गतिविधियों के कोऑर्डिनेटर अनिल कौशिक ने कहा कि 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश और प्रदेश में भी ओलंपिक दिवस को धूमधाम से मनाया गया है और इस मौके पर महेंद्रगढ़ के खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों और नगर के गणमान्य लोगों द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। स्टेडियम में बॉक्सिंग रिंग में खिलाड़ियों ने ट्रायल मैच खेलते हुए ओलंपिक दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा की ओर से विश्व ओलंपिक दिवस के ऊपर पूरे प्रदेश में पौधारोपण साइकिल प्रतियोगिता और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज महेंद्रगढ़ के खेल स्टेडियम में 100 पौधे लगवाए गए और बॉक्सिंग खेल की खिलाड़ियों की बाउट भी दिखाई गई और इस अवसर पर मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के जितने भी खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेकर आएं ताकि हरियाणा का नाम विश्व के मानचित्र पर अंकित हो सके। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा कड़ी मेहनत कर प्रदेश का नाम रोशन करने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और खेल मंत्री द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों को सभी खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।